सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा सिग्ना BS6 28-23 के 10 टायर वाला हाईवा डंपर, जो कि मार्केट में नया है। इसके बारे में आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसके अंदर चेंज किया गया है। पिछली वीडियो में हमने आपको दो गाड़ियाँ और दिखाई हैं, जो कि थी 28-25 के और 35-25 के। तो इस वीडियो में है 28-23 के टाटा हाईवा डंपर। चलिए आपको दिखाते हैं इसका पूरा व्यू, किस तरीके का आपको इसका डिज़ाइन वगैरह, किस तरीके का आपको इसका जो है लुक मिल जाता है। तो दोस्तों, ये है टाटा का सिग्ना BS6 28-23 के गाड़ी। जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं, ये सिग्ना केबिन में आता है। इस तरीके का कुछ लुक आपको इसका दिखाई देता है। सामने बम्पर में आपको इसकी हेडलाइट दी गई है। यहां पर सामने तरफ जो है ग्रिल वगैरह आपको मिल जाती है, टाटा का लोगो वगैरह आपको मिल जाता है। यहां पर दोनों हेडलाइट इसकी जो है बम्पर में ही दी गई हैं। यहाँ पर नीचे आपको जो है पैराबोलिक वाली कमानी मिल जाती है, जो कि चार पटे के अंदर आती है दोनों साइड में। यहाँ पर जो आपको बड़ा स्ट्रिंग बॉक्स भी दिया गया है पहले के मुकाबले में, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग में थोड़ी चेंजिंग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये गाड़ी है 28-23 के टाटा सिग्ना BS6। वहीं अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है आगे की साइड में पूरा सिस्टम आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो है स्ट्रिंग पाइप वगैरह, ब्रेक पाइप वगैरह, यहाँ पर आपको प्रेशर लाइन मिल जाती है। यहाँ पर आपको एसी में है गाड़ी, यहाँ पर आप इस साइड में, यहाँ पर एसी जो है इसके अंदर फिटिंग की गई है। यहाँ पर आपको डीजल फिल्टर मिल जाता है पीछे की साइड। यहाँ पर आपको 300 लीटर का डीजल टैंक, साथ ही आपको यूरिया टैंक मिल जाता है। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक टैंक मिल जाता है। एयर फिल्टर वगैरह आपको राइट साइड में यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरा व्यू मैं आपको इस वीडियो में इस गाड़ी का यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है इसके अंदर जो रिम है वो ब्लैक आते हैं, जो कि एक में आपको जो है वाइट रिम दिए जाते हैं, जो कि पहले हमने आपको वीडियो दिखाई थी। अगर बात करें यहाँ पर लेफ़्ट साइड की, तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में ही यूरिया साइलेंसर दिया जाता है, जो कि ऊपर की साइड में। यहाँ पर यह सबसे बड़ी चेंजिंग सभी गाड़ियों में यहाँ पर की गई है। वहीं बात करें यहाँ पर इंजन की, तो यहाँ पर आपको जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो दिखाया था, उसके अंदर जो कंप्रेसर हेड और डीजल पंप जो था वो था पीछे की साइड में, लेकिन इसमें आगे की साइड में ही दिया गया है। ये 28-23 के मॉडल है, वो था 28-25 के, तो उसके अंदर पीछे की साइड में प्राइमा वाला इंजन दिया गया था, लेकिन इसके अंदर वो इंजन नहीं है। इसके अंदर सिस्टम पूरा आगे की साइड ही दिया गया है। यहाँ पीछे की साइड में आपको SM प्लेट यहाँ पर साइड में दी गई है। तो ये इसमें उस गाड़ी में और इसमें ये काफ़ी बड़ा चेंजिंग जो है आप देख सकते हैं। तो वही इसका तो यहाँ पर प्रेशर टैंक आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको इसकी बॉडी कुछ इस तरीके की मिलती है। इसकी बॉडी की जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है पहले के मुकाबले में। यहाँ पर भी आपको जो है इंजन के ऊपर से ही जो साइलेंसर ऊपर की साइड में दिया गया है। यहाँ पर भी आपको 9 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि 1150 गियर बॉक्स है। यहाँ पर आपको जो है इस तरीके की जो 28-23 के गाड़ी यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की जो ट्यूब वगैरह हैं, आपको पूरा बोगी वगैरह आपको मिल जाती है, उल्टी कमानी में आती है। यहाँ पर आपको पीछे की साइड में आपको बोगी वाला सस्पेंशन मिल जाता है। पीछे की साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है वही बड़े साइज वाले ब्रेक कूपे दिए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको TVS के कूपे मिल जाते हैं, साथ ही किसी गाड़ी में आपको जो है किनोर कंपनी के ब्रेक जो है आपको दिए जाते हैं, ब्रेक कूपे दिए जाते हैं। इसके अंदर TVS वाले आपको ये डायफ्राम दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की है टाटा की 28-23 के। अभी इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं वर्क हो रहा है, जो कि इसकी बॉडी है इसको डबल किया जा रहा है। इसके अंदर डबल फर्श बिछाई जा रही है, जैसा कि हमने आपको पिछली एक और वीडियो में दिखाया था। इसकी जो वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे, इसके पूरा जो वर्क हो रहा है इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल वाला आइकन दबाकर ज़रूर रखें। तो बात करें दोस्तों केबिन के अंदर की साइड की, तो यहाँ पर हम केबिन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हम आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके का केबिन इस गाड़ी का मिल जाता है। यहाँ पर मिल जाती है आपको कंडक्टर सीट।
हमारे यहाँ पर जो कंडक्टर सीट को हटा दिया जाता है उसके बाद आपको जो है बड़ी सीटें इसके अंदर बिछा दी जाती है, उसके अंदर जो है आप आसानी से लेट सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं आपको अलग से वीडियो बना कर दूँगा। तो यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया जाता है। यहाँ पर आपको जो है ये गाड़ी एसी में आती है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको एयर कूलर वगैरह, आपको इस एसी का सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। डैशबोर्ड के अंदर आपको सभी कंट्रोल बटन्स वगैरह, एसी के कंट्रोल बटन, साथ ही सभी बटन आपको इसके डैशबोर्ड में यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको दो USB पॉइंट भी दिए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आप मोबाइल चार्ज वगैरह आसानी से कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको पहले से ही दो पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरीका कुछ जो है आपको इसका मीटर वगैरह मिल जाता है, सभी आप जो है इसके अंदर मीटर के अंदर आपको जो है प्रेशर मीटर एंड टेम्परेचर मीटर वगैरह सभी कुछ डिटेल्स आपको मिल जाती है। नीचे की साइड में आपको वहीं एक्सीलेटर पैडल जो है आपको इलेक्ट्रिक दिया जाता है, ब्रेक पैडल, क्लच पैडल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो ड्राइवर सीट है काफ़ी अच्छी दी गई है, जिसके अंदर शॉकर का यूज किया गया है। इस गाड़ी के अंदर जो है आप नीचे की साइड में अपना कार वाला जो चार्जर होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। साथ इसकी केबिन आपको यहाँ पर केबिन लाइट दी गई है, जो कि LED लाइट है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत ये लाइट दी गई है, काफ़ी जो है इसका रोशनी रहती है। यहाँ पर आपको दोनों साइड में सनवाइज़र भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ अच्छी फिनिशिंग वाला जो है डैशबोर्ड इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। सभी कंट्रोल बटन्स इसके अंदर ही दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी कंट्रोल बटन अलग अलग कंट्रोल बटन हैं, जैसे आप यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह, 4x4 वगैरह। यहाँ पर आप कार चार्जर का भी यूज़ कर सकते हैं अलग से, उसके लिए आपको एक पॉइंट जो है इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है चार्जिंग पॉइंट। तो आपको इस गाड़ी के बारे में क्या कहना है, ये गाड़ी आपको कैसी लगी, पूरा व्यू हमने आपको इसके बारे में दिखा दिया। इस गाड़ी के बारे में क्या कहना है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी सामान की ज़रूरत है तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।